हाय एंड टुडेज आर टॉपिक इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड ऑन जेल। आज की हमारे टॉपिक जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड्स ऑन जेल। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो लास्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसके वजह से मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ लाइफ साइंस रिलेटेड या फिर आप जो चाहते हैं कि उससे रिलेटेड, और इसी तरीके से नॉलेज हमारी बढ़ती रहे और हम लोग पढ़ते रहें। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा पहला जेल एनालिसिस है, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ सैंपल्स लिए हैं, जिसमें आ जाते हैं ओसी डाइमर, ट्रिपल सी डाइमर, लीनियर ओसी मोनोमर एंड ट्रिपल सी मोनोमर। अब यहाँ पर हम लोग ने देखा है का साफ तरीके से दिख रहा है हम लोगों को कि हमारे पास चार लेन्स हैं। पहली वाली लेन में हमारे पास लैडर है और फिर उसके बाद जो सैंपल हम लोग ने लोड किया है उनका मूवमेंट हम लोग को दिखा रहा है तीन लेन्स में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लेन टू में सबसे पहले जो पहुँचा है वो ट्रिपल सी मोनोमर पहुँचा है। अब मोनोमर आप लोग देख पा रहे हैं कि ट्रिपल सी हो चाहे ओसी मोनोमर हो, ये दोनों पहले पहुँच गए इन कंपेरिजन टू लीनियर। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लीनियर को परेशानी होती है मूव करने में, ठीक है। उसके अलावा लीनियर बाद में पहुंचा है, फिर सबसे पहले मोनोमर पहुंचे हैं, फिर लीनियर पहुंचा है, फिर उसके बाद डाइमर पहुंचे हैं। अब उसमें भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे ओसी मोनोमर जो है वो बाद में आ रहा है, उसकी मूवमेंट स्लो है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल सी मोनोमर। अब यहाँ पर वो इसलिए क्योंकि वो पोर्स से पास होने में उनको दिक्कत होती है, इसी वजह से ओसी फॉर्म्स विल अपीयर्स हायर इन द जेल्स। यहाँ पर हम लोगों को द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन यूजुअली द मोनोमर ट्रिपल सी फॉर्म जो फास्टेस्ट होते हैं देखा जाता है का फॉलोड बाय द लीनियर फॉर्म्स एंड ओसी फॉर्म्स। तो यहाँ पर हम लोगों को कायदे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट जो मूवमेंट जो दिखाई देगा वो ट्रिपल सी मोनोमर का है इन कंपैरिजन टू ओसी मोनोमर्स। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाइमर्स जो होते हैं वो बाद में जल में रन कर पाते हैं, ये इनका स्लो मूवमेंट हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि डाइमर जो होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो पाते हैं और इनकी डबलिंग साइज़ होने की वजह से डबल हो जाता है इनका, इनकी साइज़ जब डबल हो गई किसी भी चीज़ की तो इनके ऊपर भार ज़्यादा हो गया है। अब भार इनके ऊपर ज़्यादा हो गया तो इनको मूव करने में दिक्कत होगी। अब जब मूव करने में दिक्कत होगी तो स्लोली मूव करेंगे, यही वजह है कि डाइमर स्लो मूव कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू मोनोमर। तो आप लोगों को आपके पहले जिन एनालिसिस का आंसर कायदे से मिल गया होगा। नेक्स्ट जेल एनालिसिस में हमने देखा है कि हमने जो हमारा सैंपल है उसकी हमने फोल्डिंग्स मतलब कि सुपर कॉइलिंग्स इंक्रीज़ कर दी है। तो यहाँ पे पहला जो आप लोग देखेंगे और लास्ट वाले में देखेंगे कि उसमें सुपर कॉइलिंग सबसे ज़्यादा है जब इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। तो अब हम लोग जब इसको लोड करते हैं जेल पर तो हम लोग इसको यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि कौन सबसे पहले मूव करके बॉटम पर आएगा और किसकी सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट होगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का आंसर है कि एज़ द सुपर कॉइलिंग इंक्रीजेज द डीएनए माइग्रेट फास्टर। जैसे जैसे सुपर कॉइलिंग इंक्रीज़ होगी तो डीएनए जो होता है हमारा वो बहुत ही तेज़ी से फास्टर मूव करेगा। जब डीएनए में ट्विस्टिंग आ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है ट्विस्टिंग, तो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली सुपर कॉइलिंग भी उसके साथ साथ सुपर कॉइलिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे ही सुपर कॉइलिंग इंक्रीज़ हो गई, इट्स बिकम मोर कॉम्पैक्ट, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया और उसको माइग्रेट करने में, उसको चलने में आसानी होती है इन कंपैरिजन टू लेस सुपर कॉइल्ड या फिर नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो हेयर इज़ द आंसर। अब यहाँ पर हमने एक नई विजुअलाइजेशन लिया है कि आखिर इंटेंसिटी जो होती है बैंड की वो डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ कितना कंसंट्रेशन हम लोग डीएनए का ले रहे हैं जेल में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर अमाउंट कम लेंगे तो हम लोगों को फेंट बैंड दिखाई देगा, और अगर अमाउंट हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो हम लोग को ब्राइट बैंड दिखाई देता है, ठीक है। स्टेनिंग पे डिपेंड, अगर वो बैंड ज़्यादा अगर संख्या में है तो उसके पास स्टेनिंग भी ज़्यादा होगी, स्टेनिंग अगर ज़्यादा होगी तो हम लोग को विजुअलाइजेशन आसानी से होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जानकारी के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है द अपर बैंड हैज़ फार लेस डीएनए व्हेन कंपेयर्ड टू द लोअर बैंड, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द डीएनए एट दैट पोजीशन इन द जेल। इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रॉपर हम लोगों को मिलता है लोअर बैंड का यहाँ पर दिख रहा है इन कंपैरिजन टू द अपर बैंड। यहाँ पर हमने आपके लिए एक नया जेल एनालिसिस शो किया है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को सिंगलेट कभी कभी मिलता है जब हम लोग जेल को रन करते होंगे, और कभी कभी हम लोगों को डबलेट के फॉर्म में रिजल्ट मिलते हैं। अब वो क्यों मिल पाते हैं डबलेट के फॉर्म में, डबलेट का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बताते हैं। डबलेट ऑफन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड दैट शेयर द सेम एमिनो एसिड सीक्वेंस। ऐसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनके एमिनो एसिड सीक्वेंस सेम होते हैं कुछ हद तक। अब यहाँ पे उसमें
उसमें कुछ एक्स्ट्रा रेसिड्यूज़ भी हो सकते हैं या फिर कुछ अपनी की पोजीशन पे डिफर भी कर जाते हैं, पर जब पर भी इनको रन किया जाता है किसी भी जेल में, इन नेचर सच पॉलीपेप्टाइड टिपिकली फॉर्म्स मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन्स आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ आइसो एंजाइम्स. इनको हम लोग आइसो एंजाइम्स बोलते हैं दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट आर ईच स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टिश्यूज और फॉर पर्टिकुलर पर्पस. तो हम लोगों के पास ये एक पर्टिकुलर आंसर है. आप लोग यहाँ पर कायदे से देख भी पा रहे हैं, ईच ब्रैकेट इंडिकेट्स अ डबलेट. यहाँ पर हर एक ब्रैकेट जो होता है वो आपको डबलेट कैसे दिखाई देते हैं, दो बैंड सिमिलर डेंसिटी के सिमिलर थिकनेस के माइग्रेट कर पाते हैं क्लोजली टुगेदर एक दूसरे के साथ साथ, इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है, ओवरलैप्ड कर जाते हैं, इसीलिए बैंड थोड़ा मोटा थिक हो जाता है. इज यूजली इंडिकेट द पॉलीपेप्टाइड क्लोजली रिलेटेड इन स्ट्रक्चर. ये इसके थ्रू हम लोग ये समझ पाते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स की स्ट्रक्चर्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, परहैप्स आइसोफॉर्म्स ऑफ द सेम प्रोटीन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आइसोफॉर्म है सेम प्रोटीन के. होपफुली यू पीपल्स कैन एबल टू अंडरस्टूड. इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को दो प्रॉब्लम्स को एक साथ दिखाने की कोशिश करी है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जब डीएनए का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो जाता है तो इंटैक्ट माइग्रेट करता है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. पर जब जहाँ पर स्मॉलर होते हैं इंडिकेट को फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में हो जाते हैं तो वो हम लोगों को स्मेयर के फॉर्म में दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर ए में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इंटैक्ट डीएनए यहाँ पर मूव कर रहा है, और बी वाले में आप लोग देख पा रहे हैं कि डीएनए का स्मेयर का फॉर्मेशन हो गया है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बैंड शो किया है जिसका नाम है स्माइली डीएनए बैंड. अब ये बैंड आप लोगों को अलग अलग जीनोम में मिल सकता है, जैसे बैक्टीरियल डीएनए हो, ह्यूमन गाइड डीएनए हो, पीसीआर प्रोडक्ट्स हो, या फिर डीएनए के दूसरे कोई अलग तरीके का प्रोडक्ट होते हैं. तो वो यहाँ पर क्यों ऐसे हम लोग को स्माइलीज या फिर ऐसे शार्प कर्व्ड शेप के हम लोगों को बैंड जो मिलते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस. पहला रीज़न ये हो सकता है कि हाई टेम्परेचर अगर हम लोगों को एग्रोज जेल का हो गया है तो हम लोग को कर्व्ड बैंड मिल सकते हैं. हाई वोल्टेज हो गया है, इम्प्रॉपर एग्रोज कंसनट्रेशन है, या फिर रीयूज़ हम लोग कर रहे हैं रनिंग बफर. तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को बहुत ही कायदे से इंटरप्रिटेट करना पड़ता है. और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हम लोग जब पर भी जेल के एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग एग्रोज का कितना प्रोपोर्शन ले रहे हैं, या फिर रन जो हम लोग बफर को जो रन करवा रहे हैं वो कई मल्टीपल टाइम्स हम लोग ने रीयूज़ तो नहीं कर लिया है, थर्मल डिफ्यूजन कहीं इसमें बबल्स तो नहीं आ गए हैं, हायर वोल्टेज तो नहीं जा रहा है. तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपनी एनालिसिस परफॉर्म करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के ऊपर बेस्ड है कि इन केस अगर हमारे पास 400 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है और उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं दो फ्रेगमेंट्स में, तो हम लोगों को 125 बेस पेयर और 275 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए मिलते हैं, और द अदर रिमेन अनकट. और जो अनकट हैं वो हम लोगों को सेम साइज़ के मिलेंगे 400 बेस पेयर के. तो जब हम लोग फिगर में हम लोग आप जब देख रहे हैं तो लेन टू में हम लोगों को होमोजाइगस म्यूटेंट अलील मिलता है जिसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर रिस्ट्रिक्शन कट साइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो रिमेन अनकट और वो अनकट रहता है. जबकि लेन फोर जो होता है का वो होमोजाइकस नॉर्मल अलील्स हम लोग को देते हैं जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर, तो हम लोगों को दो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं अलग अलग बेस पेयर के लेंथ में, मतलब 125 बेस पेयर और 275 बेस पेयर डाइजेशन के बाद. पर लेन थ्री में हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को हेट्रोजाइकस के फॉर्म में मिलते हैं जिसमें हम लोगों को जहाँ पर नॉर्मल और म्यूटेंट दोनों ही अलील्स मिल पाते हैं. इट शोज़ ऑल थ्री बैंड्स. इसके थ्रू हम लोगों को हेट्रोजाइगस कंडीशन के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बैंड्स जो होते हैं हमारे पास वो वन एक ही बैंड से मिला है, वो है 400 बेस पेयर का बैंड जो होमोजाइगस म्यूटेंट अलील है, एंड द टू बैंड्स जो हमारे पास आ रहे हैं 125 एंड 235 बैंड्स ऑफ नॉर्मल अलील, ये नॉर्मल अलील के हैं. तो ये चीज़ आप लोग को बहुत ही कायदे से ध्यान में आ गया होगा कि दो बैंड से जो हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन के बाद मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के वो हम लोगों को नॉर्मल एलील के मिले हैं, जबकि हमारे पास से जो एक ही बैंड हम लोग को मिला है 400 बेस पेयर का वो होमोजाइगस म्यूटेंट एलील का मिला है. वो हम लोग को लेन थ्री में हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाई जा रही है, जबकि हम लोगों के पास लेन टू जो है ये हम लोगों को होमोजाइगस कंडीशन दिखा रहा है, उसी के साथ साथ लेन फोर भी.
नेक्स्ट जेल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों के पास कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट हम लोगों को कौन सी लेन में मिल रहा है, वो है लेन वन में जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कायदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए ये है कि शॉर्टेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा जो रन करता हुआ सबसे नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है, तो वो हम लोगों को कहाँ पर मिल रहा है, लेन टू में। फिर हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना है, वो ये कि लेन कंटेन्स अ 1500 बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट। अब इतना बड़ा लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट हम लोग को कौन सी लेन में मिल रहा है, वो हम लोगों को लेन थ्री में मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग कायदे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेस पेयर जो लगाए गए हैं वो 3000 1500 या फिर 500 के हैं, तो यहाँ पर लेन थ्री में ही है ऐसा शो हो रहा है जहाँ पर हम लोगों को 1500 बेस पेयर का दिखाई दे रहा है। होपफुली यू पीपल्स कैन एबल टू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो एनालिसिस है वो बेस्ड है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि जहाँ पर हम लोगों को लेन वन में हम लोगों को एक लैडर के फॉर्म में हम लोगों ने ये देख रहे हैं, लेन वन हम लोगों का लैडर है, लेन टू टू फोर हम लोगों का जो सैम्पल हम लोगों ने अपलोड किया है उसका एम्पलीफिकेशन दिखा रहा है प्रॉपरली, पर लेन फाइव में हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल भी एम्पलीफिकेशन नहीं दिख रहा है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, उसका पहला रीज़न ये हो सकता है एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से यहाँ पर हो। एक्सपेरिमेंटल एरर बहुत तरीके के होते हैं, अब इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंटल एरर शामिल है ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पुअर मैच हो जाना पीसीआर प्राइमर और टेम्पलेट डीएनए में, टू मच डीएनए वाज एडेड टू द पीसीआर, बहुत ज़्यादा हम लोग ने ऐड कर दिया या फिर बहुत ही कम डाला है यहाँ पर, या फिर हम लोग ने स्टेन जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही बैड किस्म का है, बहुत ही ख़राब किस्म का है कि वो स्टेनिंग पूरी तरीके से ले नहीं पा रहा है डीएनए को एनालाइज करने में हम लोग को प्रॉब्लम आई है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है जो अननेसेसरली हम लोग पाल लेते हैं और हम लोग को पता नहीं चल पाता। पहला तो यही है कि यहाँ पर हम लोगों को स्टेन हम लोगों ने ख़राब लिया है, स्टेन वॉज बैड और द सैम्पल वॉज नॉट डीएनए, या फिर हम लोग जो सैम्पल जो डाला है वो डीएनए नहीं है, जो पर्टिकुलर जीन के लिए हम लोग डाल रहे हैं जो सैम्पल हम लोग अपलोड कर रहे हैं हम लोगों ने सब में अपलोड वही चीज़ करी है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इनिशियल अमाउंट जो हम लोग ने टेम्पलेट का लिया है वो अगर पीसीआर कर रहे हैं तो वो लो है, अगर वो लो हुआ तो एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, इनसफिशियंट एम्पलीफिकेशन रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट वन सच देखो या डीएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं किया हो कायदे से, प्राइमर काम नहीं करता हो या फिर टेम्पलेट काम नहीं कर रहा है तो हम लोग को रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है पीसीआर में। पर अगर एसडीएस पेज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट जो इन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है इज़ वेरी डाइल्यूटेड, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर गया है सुपरनेटेंट में, इसके वजह से हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को विजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही है क्लियरली। होपफुली ये आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी होगी जो आप लोगों को आगे चल के मदद करेगी। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ बैंड्स का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग जेल पर रन करवाते हैं किसी अपने सैंपल को, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, बबली फेडेड स्लाइस्ड विंगड डॉटेड वेवी रिबन स्माइली फजी फेंट स्ट्रेट क्रिस्प एंड लास्टली यहाँ पे क्या है स्ट्रीक्ड। स्ट्रेट हम लोग को जब मिलते हैं जब हम लोग को हेल्दी बैंड्स हम लोग को मिलते हैं, और ये और सब जो हम लोग को मिल रहे हैं वो हम लोग को अनहेल्दी बैंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया है जेल में जिसके वजह से वहाँ पर रनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई हो, चाहे टेम्पलेट अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है, हम लोग को प्राइमर नहीं मिला है, हम लोगों को कायदे से बाइंड नहीं हुआ है, हम लोग का टेम्परेचर एनीलिंग टेम्परेचर डिफर कर जा रहा है, या फिर हम लोगों ने पीएच अलग दिया हुआ है उसके वजह से भी यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बबल आ गए हैं कुछ भी, यहाँ पे पोरिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई है, या फिर बैंड्स जो हम लोग को कायदे से फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। आई होप यू पीपल्स कैन एबल टू अंडरस्टूड। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस इज़ द लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड्स ऑन द जेल, एंड इफ़ यू वॉन्ट नेक्स्ट लेक्चर टू बी ऑन योर कॉस्ट सो ऑन योर स्टडीज मटीरियल सो प्लीज़ कमेंट मी इफ यू वॉन्ट देम, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़
if you view the video properly or you could not able to understand any of the question, directly contact me by on the commenting me. And if is there any problem understanding, please comment. I will explain each and every words again. And thank you. Please subscribe and share my channel so that I can able to grow up according to your visualizations. Thank you.